हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आप सबको नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ गौरव। तो 4 दिनों के बाद वीडियो आ रहा है, फाइनली आ गया। लेकिन तो आखिरी वीडियो जो हमने किया था 30 अप्रैल को, जिसमें एक पाकिस्तानी है जो कि जिन्होंने 2 रिएक्शन चैनल बनाया हुआ था, और एक में वो पाकिस्तानी इंडियन वीडियोस पे रिएक्ट कर रहे हैं जो कि कॉमन है, लेकिन एक में वो इंडियन बन के इंडियन टाइटल्स लगा के पाकिस्तानी वीडियो पे रिएक्ट कर रहे थे। तो उनके ऊपर हमने वीडियो बनाया था। हमारा वीडियो लगभग 2,500-3,000 ही पहुँचा था। तो उस पाकिस्तानी भाई का, असद का, जिनका नाम असद है, उनका मैसेज आया हमारे पास, और उन्होंने कहा कि जी, जितने भी टाइटल्स हमने इंडियन लगाए हैं उन सबको मैंने हटा दिया है, और मैंने कभी क्लेम नहीं किया कि मैं इंडियन हूँ। खैर, आपने इंडियन टाइटल लगाया हुआ था, और अपने व्यूवर्स को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने वीडियो को शेयर किया। अभी मुझे उम्मीद है कि वो वीडियो और भी ज़्यादा शेयर होगा। तो आज बस मैं यूं ही यूट्यूब पे बैठा हुआ था, मतलब यूट्यूब देख रहा था, काम तो ज़्यादातर अपना वही है, और मैंने सर्च किया पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल। और सच बता रहा हूँ, जो मुझे रिज़ल्ट मिला वो देखकर मतलब आंखों में आंसू आ गए। यार, इतना प्यार कौन देता है? मतलब ऐसा लग रहा था कि बिछड़े हुए भाई बहन हैं, और जो सपोर्ट आप दे रहे हो पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल को, मतलब देखकर बहुत खुशी हुआ, बहुत मज़ा आया देख के। मुझे लगा कि इंडियन चैनल्स को भी आप यूं ही सपोर्ट कर रहे होंगे, जो इंडियन रिएक्शन कर रहे हैं बेचारे, जो चैनल्स बना रखे हैं इंडियन रिएक्शन, बेचारा बोलना ही पड़ेगा मुझे, क्योंकि और कोई सब तो है नहीं मेरे पास। तो मुझे लगा कि उनको भी आप ऐसे ही सपोर्ट कर रहे होंगे, तो मैंने सर्च किया इंडियन रिएक्शन चैनल। तो जो मुझे रिज़ल्ट मिला वो देखकर मुझे लगा कि सही कहा गया है कि अपने लोग ही अपनों के काटते हैं। कुछ चैनल्स मुझे ऐसे मिले जो बेचारे साल 1.5 साल से डाल रहे हैं वीडियो, हार नहीं माना उन्होंने, डाल रहे हैं। किसी के 700 सब्सक्राइबर है, किसी के 750, किसी के 800, किसी के 200, 250, किसी के 100 व्यू आ रहे हैं, किसी के 150, किसी के 50। और वही जब मैंने देखा पाकिस्तानियों के, तो किसी के 2 लाख, किसी के 4 लाख, किसी के 4 लाख व्यू, किसी के मिलियंस में व्यू, मैंने बोला भाई ये तो गजब है, क्योंकि भाई हमारे वीडियोस पे और हमारे रिएक्शन पे तो पाकिस्तानी सपोर्ट करने तो नहीं आते हैं वैसा, जितना सपोर्ट हमारे इंडियंस जो हैं पाकिस्तानियों को दे रहे हैं। तो मुझे लगा कि शायद कहीं पाकिस्तान से कोई शहद की जो नहरें हैं वो बहकर भारत में आएंगी, और आपस में कोई मिठाई मिठाई विठाई जो है आपस में बांटेंगे, और कहेंगे जी मिल गए जी आपस में, हम आपस से बिछड़े हुए भाई बहन थे जो कि आपस में मिल गए। मैंने कुछ स्क्रीनशॉट भी लिया हुआ है, ज़रा मैं वो कमेंट्स दिखाता हूँ कि हमारे जो इंडियंस लोग हैं जो जाते हैं उनके वीडियोस देखने के लिए वो कैसी कमेंट्स करते हैं। पीस एंड रिस्पेक्ट टू यू बोथ एज ऑलवेज डियर सिस्टर्स एंड गुड रिएक्शन फ्रॉम योर ब्रो देवराज। ईद मुबारक फ्रॉम इंडिया, वी लव यू ऑल पाकिस्तानीज, प्राउड टू बी एन इंडियन, इंडिया विल वेरी सून। खैर, ये तो ठीक है। बोथ ऑफ यू आर वेरी गट्सी, वाई आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन, हैट्स ऑफ यू बोथ बाय द वे, इन एडवांस ईद मुबारक हो आपको और आपके फैमिली मेम्बर्स को, लव फ्रॉम असम। आई टेल यू वन थिंग सिस, आई लाइक योर ऑल वीडियो, आई एम प्राउड ऑफ यू, आर यू वेरी वेरी एजुकेटेड गर्ल। ओके, वाह, जय हिंद, जय भारत, लव यू एंड सहर, आपको ईद मुबारक, ईद मुबारक दोनों को, लव फ्रॉम इंडिया। फर्स्ट लाइक, फर्स्ट कमेंट, सहर जी गजब हो आप, अच्छी लगती हो, आई लव यू सहर, वाह भाई वाह, लॉट्स ऑफ लव टू पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया, यूनाइटेड बाई हर्ट, ओनली सेपरेटेड बाई बॉर्डर, वाह भाई क्या बात है, ये हुआ ना प्यार, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम इंडिया, लव फ्रॉम महाराष्ट्र, ये हुआ प्यार जो जाते हैं हमारे इंडियंस देने पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल्स को, और इनको ऐसा लगता है कि जी बॉर्डर टूट जाएगा, और पाकिस्तानी जो हैं वो कहते हैं ना एक बात कि जो आधी सच्चाई होती है ना वो बड़ा खतरनाक होता है, जो आधा सच होता है ना वो बड़ा खतरनाक होता है। कुछ यही है हमारे, यही है हमारी प्रॉब्लम, हम आधा सच जानते हैं, आधा हकीकत जानते नहीं हैं। देन मुझे एक और चैनल मिला, मैं सर्च कर रहा था, तो एक पाकिस्तानी रिएक्ट, पाकिस्तानी रिएक्ट चैनल है, 3.38 लाख सब्सक्राइबर, वाओ ग्रेट। तो मैंने यूँ ही एक वीडियो देखा जो कि मैं क्लिप आपके सामने प्ले करता हूँ, जरा ये क्लिप जरा देखो आप। गार्बेज,
किसी को फंड दे। मनी लॉस क्या होता अगर कर्जा होता और हिटलर गुजराती होता तो देश छोड़ देता, सुसाइड नहीं करता। ये सिर्फ कमेंट्री करता है यार, ये बहुत अच्छा कॉमेडियन है यार। लव लॉस क्या होता है, खुद बंदी छोड़ के प्रधानमंत्री बन जाता। मेरे ख्याल से आप जो इस क्लिप के अंदर में जो बंदा कॉमेडी कर रहा है पहचान गए होंगे उसको, शायद ये वही बंदा है ना, मनोवर फारूकी ऐसे कुछ नाम है, जिसने आई थिंक इसके ऊपर FIR भी हुआ था और इसने हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ कुछ कॉमेडी वॉमेडी किया था। क्या फ़र्क पड़ता है कि नहीं। और इस वीडियो के अंदर में ये गुजरातियों के खिलाफ मतलब कॉमेडी कर रहा है, गुजरातियों के ऊपर कॉमेडी कर रहा है। क्या फ़र्क पड़ता है, फ़र्क पड़ता है क्या? मेरी तो, मुझे तो फ़र्क पड़ता है, क्योंकि गुजराती भी इंडियंस हैं, बंगाली भी इंडियंस हैं, बिहारी भी इंडियंस हैं, महाराष्ट्रियन भी इंडियंस हैं, मराठी, तमिल, जो भी है हमारे देश के अंदर जो भी रह रहा है वो सब इंडियंस हैं। मुझे फ़र्क पड़ता है, मे भी शायद आपको ना पड़ता हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर भी, पता नहीं आपको समझ में आया कि नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर भी कमेंट हो रहे हैं, इसके ऊपर उनके ऊपर भी कॉमेडी हो रही है। अब आप बोलोगे यार क्या फ़र्क पड़ता है, मोदी जी के ऊपर तो ऐसे भी आए दिन सोशल मीडिया पे कॉमेडी होते रहती है, कुछ ना कुछ कॉमेडी चलते रहता है। सही बात है, क्या फ़र्क पड़ता है आपको, यही तो बात है ना, क्या फ़र्क पड़ता है वाला जो ये मेंटालिटी है ना, ये शायद किसी दिन लेट डूबेगा। यही वो मेंटालिटी था जब मुगल इंडिया के ऊपर अटैक कर रहे थे, बाहर से जब ये आए थे तो यही मेंटालिटी था उस समय कि ठीक है उनके ऊपर अटैक हो रहा है, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। अगर उस समय सारे जो उस समय राजा थे ना हमारे देश के अंदर, अगर वो एक हो गए होते ना तो शायद वो हज़ार साल का जो इतिहास ये काउंट करते हैं, 700 साल, हज़ार साल, 800 साल, पता नहीं कितना, ये शायद उनको ये हिस्ट्री पढ़ना नहीं पड़ता हम लोगों को। तो ये क्या फ़र्क पड़ता वाला ही मैंटेलिटी था उस समय भी, और यही मैंटेलिटी आज भी है, क्या फ़र्क पड़ता है। बढ़िया, तो इसके ऊपर और मैं क्या कहूँ, ऐसे कई और चैनल्स हैं। और अच्छा, एक चैनल और मैं देख रहा था, मैंने जब इंडियन रिएक्शन चैनल सर्च किया था तो मुझे एक चैनल मिला जिसका नाम है ये कुड़ी रिएक्शन। एक मिनट गाइस, कुड़ी रिएक्शन यही नाम था ना, रिएक्शन कुड़ी, सॉरी, या रिएक्शन कुड़ी मुझे एक चैनल मिला। अब ये चैनल तो बेसिकली इंडियन है, सब कुछ मैंने चेक किया इसका इंडियन ही है जहाँ तक मुझे लगा, बट इसके अंदर दो लोग काम करते हैं, एक है ये एक लड़का जो आपको दिख रहा है इस वक्त स्क्रीन पे, इसका नाम है काशिफ, और एक लड़की जिसका नाम है अंकिता, अंकिता नाम है, बट बड़ा फराटेदार उर्दू बोल लेती है। तो अब इसके जरा आप वीडियोज़ देखो, वीडियोज़ के थंबनेल देखो और टाइटल देखो, ठीक है, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये इस्लाम को प्रमोट टाइप का कर रहे हैं, और कुछ इस टाइप का वीडियोज़ है इनका। मैक्सिमम वीडियोज़ आपको ऐसे देखने मिल जाएगा, मैक्सिमम वीडियोज़ मशहूर टीवी एक्ट्रेस ने छोड़ा इस्लाम, मुनव्वर के बारे में क्या कह दिया, इस्लाम के ऊपर उंगली उठाने वालों को बोलती कर दी बंद, जाहिलो सुनो, मस्जिद से ओवैसी का ऐलान सुनो, बवाल कट जाएगा, इस्लाम का यह सच जान हिंदू पंडित ने चुप्पी तोड़ी, और टाइटल लिखा हुआ है क्या, लक्ष्मी शंकराचार्य, लक्ष्मी शंकराचार्य के बारे में जहाँ तक मुझे पता है, आप गूगल करना एक बार, वीडियोस मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पे बहुत सारे। तो इस तरह का सारे आपको दिख जाएंगे, इंडियन आर्मी ने पढ़ी नमाज, मतलब होता है ना एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को प्रमोट किया जा रहा है, मतलब मुझे सारे थंबनेल में तो मुझे यही दिख रहा है और सारे टाइटल में तो मुझे यही दिख रहा है यार। और सब्सक्राइबर, वाओ, सब्सक्राइबर 13.7 लाख, सुपर, जबरदस्त। लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, चलने देते हैं सबको, फ़र्क तो कुछ पड़ता नहीं है। लेकिन बस आखिरी में यही बोलूँगा कि जिस दिन, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, जिस दिन पाकिस्तान से कभी कोई गोली, कभी कोई बम इधर आए भारत में और उससे किसी मासूम की जान चली जाए या हमारे जवान शहीद हो जाए, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है, उस दिन मैं आपसे पूछूंगा क्या अब भी आपको फ़र्क पड़ता है, या फिर अब भी आप यही बोलोगे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं उस दिन पूछूंगा आपसे। अभी के लिए रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, आप सभी को जय हिंद।